सबसे पहले ब्लड ग्रुप्स को कार्ल लैंडस्टाइनर ने 1901 में डिस्कवर किया था, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अब इस सिस्टम को ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम से ये पता चलता है कि हमारे रेड ब्लड सेल्स में ए एंटीजन है या बी एंटीजन या दोनों या कोई भी नहीं। एंटीजन वो चीज़ है जो इंसान के शरीर में जाते ही शरीर एक रिस्पांस देता है, जिसे एंटीजन को ख़त्म करके शरीर से निकालने की कोशिश की जाती है। जिनका ब्लड ग्रुप ए है उनके RBCs में ए एंटीजन होता है, जिनका ब्लड ग्रुप बी है उनके RBCs में बी एंटीजन होता है, जिनका ब्लड ग्रुप AB है उनके RBCs में ए और बी दोनों एंटीजन्स होते हैं, जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनके RBCs में ना ए एंटीजन होता है ना बी एंटीजन, जिनका ब्लड ग्रुप ए है वो ए या ओ ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड ले सकते हैं। ये लोग बी या AB ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड नहीं ले सकते, क्योंकि बी एंटीजन इनके शरीर के लिए फॉरेन माना जाता है। फॉरेन मतलब आउटसाइडर। अब ए ब्लड ग्रुप वाले ए या AB ब्लड ग्रुप वालों को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, इसी तरह बी ब्लड ग्रुप वाले बी या ओ ब्लड ग्रुप वालों से ब्लड ले सकते हैं और डोनेट करते वक्त बी और AB ब्लड ग्रुप वालों को डोनेट कर सकते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप AB है वो किसी भी ब्लड ग्रुप के इंसान से ब्लड ले सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर ए और बी एंटीजन्स दोनों को पहचानता है, पर AB ब्लड ग्रुप वाले सिर्फ AB ब्लड ग्रुप वालों को ही डोनेट कर सकते हैं, इसलिए इन्हें यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कहते हैं। जिनका ब्लड ग्रुप ओ है वो सिर्फ ओ ब्लड ग्रुप के लोगों से ही ब्लड ले सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर ए या बी एंटीजन दोनों को नहीं पहचानता और फॉरेन माने जाएंगे, पर ये लोग किसी भी ब्लड ग्रुप वाले इंसान को ब्लड दे सकते हैं, क्योंकि इनके RBCs में कोई एंटीजन नहीं होते। इन्हें यूनिवर्सल डोनर्स कहा जाता है। ABO सिस्टम इंसान के अलावा बंदर में भी पाए जाते हैं। ABO के अलावा एक और सिस्टम है जिसको RH सिस्टम कहते हैं। इसे RH सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये RH एंटीजन के होने या ना होने पर निर्भर करता है। RH एंटीजन सबसे पहले रीसस नामी बंदर में पाया गया था। अगर RH एंटीजन RBCs में है तो उस ब्लड ग्रुप को RH पॉजिटिव कहा जाता है, और अगर नहीं है तो RH नेगेटिव कहा जाता है। साइंटिस्ट आज भी इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पाए कि आखिर ये ब्लड ग्रुप्स बने क्यों हैं। तो ये था ब्लड ग्रुप्स के बारे में। इसी तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।